हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आईआर कोड पे आपके साथ बनाई थी, उसके अंदर मैंने सेक्शन 7 तक डिस्कस किया था आईआर कोड का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एप्लीकेशन दी जाती है ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए, तो कुछ चीजों के रूल्स आपको पहले से बना के रखने पड़ते हैं, जिसको आप फाइल करते हैं अपने रजिस्ट्रार के पास, जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार है सेक्शन 5 के अंदर, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें, वहां पे लेबर लॉस की सारी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको सीआरपीसी का जो 47 वीडियोस मैंने सेक्शन 189 तक करवा रखा है, वो सारा कंटेंट आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो आज जो मुझे टॉपिक कराना है आपको, वो सेक्शन 8 से कराना है। ये सब कंटिन्यूएशन में है ट्रेड यूनियन का। हम अभी चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने डेफिनेशन पढ़ा था, चैप्टर 2 में हमने बायपार्टाइट फोरम्स के ऊपर पढ़ा था, और चैप्टर 3 ट्रेड यूनियन का आपका जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए, सेक्शन 8 बात करता है कि जो भी एप्लीकेशन है आपकी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने की, वो किसको दी जाएगी? रजिस्ट्रार को दी जाएगी। चलिए, रजिस्ट्रार को दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, मतलब ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था है, और अदरवाइज फिजिकल फाइलिंग भी आप कर सकते हैं, दोनों चीजें अलाउड है। चलिए, अब इस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या अटैच करके रजिस्ट्रार को दिया जाएगा, जरा उसको समझते हैं। सबसे पहला तो एक डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन एक एफिडेविट की फॉर्म में दिया जाएगा। और जनरली ये डिक्लेरेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, कि ये जो हमने इंफॉर्मेशन आपको दी है, जो रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन हम फर्निश करें, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ट्रू है, और कल को अगर इस इंफॉर्मेशन में कुछ गलत पाया जाता है या फिर कुछ फॉल्टी पाया जाता है और ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। इस तरीके का एक डिक्लेरेशन फॉर्म एफिडेविट की शक्ल में आपको आप बना के साथ में एप्लीकेशन के लगा देंगे। उसके अलावा कॉपी ऑफ द रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने अपने ट्रेड यूनियन के रूल्स बनाए हैं, जो मैंने सेक्शन 7 के अंदर आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। जो सेक्शन 7 के अंदर जो रूल्स होते हैं, चाहे वो आपके नाम हो, ऑब्जेक्ट हो, फंड को कैसे यूज करना है, जनरल बॉडी मीटिंग कैसे होगी, सब्सक्रिप्शन फीस कैसे दी जाती है, लिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर्स कौन कौन से होंगे, ऑफिस बियरर के इलेक्शन कैसे होंगे, ऑफिस बियरर कौन कौन होंगे, वो क्या 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 फैसिलिटीज मेंबर्स को मिलेंगी, ये सारी चीजें जो होंगी, इसका एक आप कॉपी, साथ में आप एक रिजोल्यूशन की कॉपी भी, जो मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन है जिन्होंने अडॉप्ट किया, ऑब्वियसली जब आप ये रूल्स को सारे ट्रेड यूनियन के पास रखेंगे तो एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, कि जिसमें मेजॉरिटी से इस रूल्स को पास कर दिया जाए। जैसे कि आपने स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा हो तो कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में 50% से ऊपर की मेजॉरिटी पे पास हो जाता है कोई नियम अगर कंपनी को चेंज करना है, और अगर स्पेशल रिजोल्यूशन है तो 75% या उससे ऊपर की मेजॉरिटी पे वो चीज पास हो जाती है। तो इसी तरीके से आप रूल्स की कॉपी और रेजोल्यूशन की कॉपी, कि आपने इस रूल्स को पास किया है बकायदा मेंबर्स के थ्रू, वो आप अटैच कर देंगे। चलिए, एक और रेजोल्यूशन की कॉपी, जिसमें आप ये शो हो रहा होगा कि ये जो एप्लीकेंट्स हैं, आपने इनको, मेंबर्स ने इनको ऑथराइज कर रखा है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अब फर्ज करिए आपका ट्रेड यूनियन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, अगर आपका ट्रेड यूनियन एक फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है, या फिर आपका ट्रेड यूनियन एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस है, मतलब कि वो एक अकेला ट्रेड यूनियन नहीं है, वो दो तीन ट्रेड यूनियंस का एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दो तीन ट्रेड यूनियन का कॉम्बिनेशन है, एक फेडरेशन है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, कौन सी कॉपी फर्निश करी जाएगी, जरा वो समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपका ट्रेड यूनियन एक फेडरेशन है या एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस है, तो उसमें आप कॉपी फाइल करेंगे रिजोल्यूशन की, मगर वो रिजोल्यूशन की जो कॉपी होगी वो ईच ऑफ द मेंबर ट्रेड यूनियंस के द्वारा दी जाएगी। लॉजिक समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ट्रेड यूनियन 1, ट्रेड यूनियन 2, ट्रेड यूनियन 3, ट्रेड यूनियन 4, ट्रेड यूनियन 5। अब इन पांचों का एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड यूनियन डैश, ठीक है, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक फेडरेशन बोल लीजिए। तो यहां पे जो जो मेंबर ट्रेड यूनियंस हैं,
इनके द्वारा पास, इनके अपने रिस्पेक्टिव जगहों से पास हुए रिजोल्यूशंस की कॉपी, यहां से यहां के रिजोल्यूशन की कॉपी, यहां के रिजोल्यूशन की कॉपी, यहां के रिजोल्यूशन की कॉपी, ये अपने अपने रिजोल्यूशन की कॉपी अटैच कर देंगे। और जब ये वाला ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन में फाइल, एप्लीकेशन फाइल करेगा ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये सारे रिजोल्यूशंस की कॉपी अटैच कर दी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब मान लीजिए आपका ट्रेड यूनियन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में है, सबसेक्शन टू के अंदर आ गया मैं, आपका ट्रेड यूनियन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में है और वो एग्जिस्टेंस में कब से है, तो वो इस एप्लीकेशन के फाइल करने से पहले से एग्जिस्टेंस में है और एक साल से ज्यादा हो चुका है एप्लीकेशन की फाइलिंग डेट से पहले, ऑलरेडी उस ट्रेड यूनियन को एक साल से ज्यादा हो रखा है, तो उस केस में आपकी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बनती है। वो क्या बनती है जरा समझिए, रजिस्ट्रार के पास एक जनरल स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे अपनी ट्रेड यूनियन की एसेट्स का, अपनी ट्रेड यूनियन की लायबिलिटीज का, और ये रिकॉर्ड आपको फर्निश करना पड़ेगा कि आप अगर ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन है तो उस केस में आपको ये चीज फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार चाहे तो फर्दर इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, और अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज लगती है जो उसको सही नहीं लग रही, अपराइट नहीं लग रही, या फिर फॉर्म में जिस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड है वैसा नहीं लग रहा, तो उस केस में रजिस्ट्रार हैज द पावर टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। हालांकि अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है तो उसकी अपील का भी प्रोसीजर है, वो मैं आगे आपको सेक्शन में बताने वाला हूं कि अगर आपका ट्रेड यूनियन नहीं रजिस्टर हो रहा और रजिस्टर मना कर रहा है तो उसको ग्राउंड देने पड़ते हैं, और उसका आप अपील भी कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में जाके। मान लीजिए आपका नाम आइडेंटिकल है, कि आपका जो ट्रेड यूनियन है उसका नाम या तो रिजेंबल कर रहा है या फिर आइडेंटिकल है, दोनों हो, दोनों ही केस में। रिजेंबल मतलब सुनना सुन, जैसे मैंने पर्टिकुलर किसी चीज का नाम बोला, मैंने एक का नाम राम है तो दूसरे का नाम राम है, एक का नाम श्याम है तो दूसरे का नाम श्याम है, मतलब बहुत रिजेंबल कर रहा है कि सामने वाले को कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा रिजेंबलेंस है कि उससे डिसेप्शन हो सकती है पब्लिक को, तो उस केस के अंदर रजिस्ट्रार विल आस्क यू एंड से कि भाई आप अपने ट्रेड यूनियन का जो नाम है उसको बदलिए, और ध्यान रखना जब तक अंटिल द ट्रेड यूनियन चेंजेस इट्स नेम द ट्रेड यूनियन शेल नॉट बी रजिस्टर्ड, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आइडेंटिकल या फिर रिजेंबलिंग नेम है जिससे पब्लिक डिसेप्शन हो सकता है, पब्लिक को नाम की वजह से धोखा हो सकता है, मान लीजिए मेंबर्स को धोखा हो गया, उन्होंने गलत सब्सक्रिप्शन फीस, मतलब जो सब्सक्रिप्शन फीस थी वो गलत ट्रेड यूनियन में दे दी, तो कल को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको ध्यान रखने के लिए रजिस्ट्रार तब तक आपका नाम रजिस्टर नहीं करेगा जब तक आप उसको चेंज नहीं कर देते और आप उसको अल्टरेशन में नहीं डाल देते, तब तक आपको ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब चलिए ये सब हो गया, सेक्शन 8 के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं हमें ये पता चल गया, सेक्शन 7 के अंदर क्या क्या रूल्स हैं हमें ये पता चल गया, सेक्शन 6 के अंदर क्या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए थे हमें ये पता चल गया, सेक्शन 5 के अंदर कौन रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करता है हमें ये पता चल गया। अब इतनी मेहनत करने के बाद हमें कम से कम रजिस्ट्रेशन तो मिले ना भाई, तो उसके लिए है आपका सेक्शन 9, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। हालांकि कैंसलेशन का भी यही है, बट सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कि रजिस्ट्रार को जब लगेगा, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड ऑन व्हाट थिंग दैट यू हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स, कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके साथ कंप्लाई किया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपका जो ट्रेड यूनियन है आपका ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर देगा, आपका ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर देगा, कांग्रेचुलेशंस योर ट्रेड यूनियन इज रजिस्टर्ड, पार्टी करिए। अब सवाल आता है कि ये जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर करेगा, और रजिस्ट्रार के पास ना एक रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियंस होता है, रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियंस एक तरीके से इंडेक्स लिस्ट हो गई ना, कि जितने ट्रेड यूनियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रार के पास वो उसका रजिस्टर है, तो रजिस्ट्रार के पास एक ट्रेड यूनियन का रजिस्टर है, इसके अंदर
आपका नाम जो है ना, आपके ट्रेड यूनियन का नाम, उसकी एंट्री कर देगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपके पास क्या सबूत है? तो वो सबूत है आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो सबूत है आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस दैट द ट्रेड यूनियन हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस कोड। इसका मतलब कि कल को मान लीजिए आपकी ट्रेड यूनियन एक वैलिड ट्रेड यूनियन है या नहीं, इस बात को लेकर डिस्प्यूट कोर्ट में हो जाता है, या फिर ट्रिब्यूनल में इस बात को लेकर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे आप कैसे प्रूव करेंगे? तो यू विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गिवन टू यू अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, एंड दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस दैट योर ट्रेड यूनियन हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस कोड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कौन सा एविडेंस होता है? वो इनकंक्लूसिव एविडेंस है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो कंक्लूसिव एविडेंस है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ सबसेक्शन 3, रजिस्ट्रार पर्टिकुलर्स को अपने रजिस्टर में एंटर कर देगा, जो आपके रजिस्ट्रेशन के डिटेल है, रजिस्ट्रार उनको अपने जो उसके पास डिटेल लॉग होगा, लॉग बुक होगी, उसके अंदर वो एंटर कर देगा। तो ये तो हुआ आपका रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का बात। अब सवाल आता है कि मान लीजिए आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात आई, तो उसका कैसे काम होगा, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बतानी है आप लोगों को, हालांकि मैंने ट्रेड यूनियन एक्ट भी पढ़ा रखा है, ट्रेड यूनियन एक्ट जो आपका 1926 में था, उसी को हम खत्म करके ये वाला कानून लेके आए हैं। अब बात आती है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, इतने सालों से ट्रेड यूनियन का कानून चल रहा है, तो जो बड़े बड़े जितने भी सब्सटेंशियल आपके अभी तक के ट्रेड यूनियन है, वो तो सारे इसके अंदर रजिस्टर्ड है, सब तो इस पुराने कानून में रजिस्टर्ड है। तो अब इनका क्या करें, इनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दें, या इनको बोले कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराओ, क्या किया जाए? तो लॉ ने इसका एक सॉल्यूशन निकाल के दे दिया। लॉ ने कहा कि ये वाला जो कानून है ना, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, मैं आपको जो अभी पढ़ा रहा हूं आईआर कोड, ये वाला कानून आने से पहले अगर ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर किसी ने वैलिड रजिस्ट्रेशन करा रखा है, किसी ट्रेड यूनियन ने वैलिड रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो हम उसको इस कानून में भी रजिस्टर्ड मानेंगे। मैं दोबारा बताता हूं, डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा डीम्ड का मतलब। दोबारा बता देता हूं, ये वाला कानून तो 2020 में आया, अब ये नोटिफाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा, मतलब ये कानून लागू हो जाएगा और सारे इंडस्ट्रीज पे एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इतने सालों से जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, अब उनका क्या करें? तो लॉ ने क्लियरली कहा कि पुराने वाले कानून में आपने वैलिड रजिस्ट्रेशन करा रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ऐसा करिए, हम तो ये मानेंगे कि इस नए कानून के अंदर जो आपके पुराने वाले वैलिड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं, वो इस वाले कानून में भी रजिस्टर्ड ही माने जाएंगे। मगर एक छोटी सी शर्त लगा दी, एक छोटा सा क्लॉज लगा दी कि वो जो पुराने वाले ट्रेड यूनियन है, ओल्ड ट्रेड यूनियन, ओल्ड बोलने से मतलब टाइम में ओल्ड नहीं, जो पुराने वाले एक्ट में, जो 1926 वाला जो एक्ट मैंने आपको हालांकि करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना, तो उस वाले कानून में जो रजिस्टर्ड है ना ट्रेड यूनियन, वो रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट फाइल कर दें छोटा सा, एक स्टेटमेंट फाइल कर दें, और स्टेटमेंट फाइल करने के साथ ये स्टेटमेंट में मेंशन कर दें कि जो सेक्शन 7 के अंदर, जो इस वाले कानून के सेक्शन 7, मतलब जिसके अंदर मेंबरशिप रूल्स हैं, जिसके अंदर इलेक्शन की बात है, जिसके अंदर मीटिंग की बात है, वो सारी चीजों से कंप्लाई कर रहे हैं, और अगर नहीं कंप्लाई कर रहे तो कंप्लाई कर लेंगे, तो वो चीज ध्यान रखना। तो रजिस्ट्रार उसके हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स को अमेंड कर लेगा, उसके हिसाब से रिकॉर्ड्स में एंट्री कर लेगा। तो सिंपल सा, पुराने जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, जो 1926 वाले कानून में रजिस्टर्ड है, वो क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को दे देंगे और कहेंगे कि भैया हमारा जो ये रूल्स हैं, मतलब हमारे जो ट्रेड यूनियन के रूल्स है, वो इन अकॉर्डेंस बने हुए हैं आपके सेक्शन 7 के साथ, जो सेक्शन 7 में आप नए ट्रेड यूनियन से जो मांगते हो ना, जो रिक्वायरमेंट आप लेते हो, वो सारे हमारे वाले ट्रेड यूनियन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज बस एक छोटी सी चीज मेंशन करने की जरूरत है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
Now, क्या सर्टिफिकेट ऑफ, मैं स्मॉल में लिख देता हूं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या इसको विथड्रॉ या कैंसिल किया जा सकता है? आप कमेंट सेक्शन में हाथों हाथ लिखी थी, आगे तो मैं आंसर आपको बता ही दूंगा। तो विथड्रॉ या कैंसिल किया जा सकता है, यस और नो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो लॉ कहता है ट्रेड यूनियन खुद ही अप्लाई एप्लीकेशन फाइल कर दे, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल हो सकता या विड्रॉ क्यों नहीं हो सकता? ट्रेड यूनियन अपना बोले कि भाई अब ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारा रजिस्ट्रेशन वापस ले लो, हम ये ट्रेड यूनियन फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उस केस में हट सकता है। चलिए, अगर रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि ट्रेड यूनियन किसी रूल्स को कंट्रावीन कर रहा है, इस कानून को कंट्रावीन कर रहा है, अपने ट्रेड यूनियन या तो उसके मेंबर कम है, या तो जो ऑब्जेक्ट से बना था ट्रेड यूनियन उस ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा, या जिस फंड को, मतलब जो फंड इकट्ठा कर रहा है, फंड का इस्तेमाल किसी दूसरे पर्सनल कामों में कर रहा है, या फिर जिस काम में फंड ट्रेड यूनियन को के लिए काम फंड को पैसा इस्तेमाल करना चाहिए था उसके लिए नहीं कर रहा है, तो वो चीज उस केस के अंदर रजिस्ट्रार चाहे तो कैंसिल कर सकता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। या फिर इसके अलावा अगर ट्रेड यूनियन 10% या फिर 100 वर्कर्स, विच एवर इज लेस, इससे नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाते हैं ट्रेड यूनियन के, तो उस केस के अंदर ये ग्राउंड बन सकता है ट्रेड यूनियन के कैंसिलेशन का, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का ये ग्राउंड बन सकता है। मगर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रजिस्ट्रार को 60 डेज का नोटिस सर्व करना पड़ेगा उस ट्रेड यूनियन पे, नोटिस सर्व करना पड़ेगा उस ट्रेड यूनियन पे कि रजिस्ट्रार कहेगा उस नोटिस के अंदर कि भाई हम, हमारा ये प्रपोजल है कि हम आपके जो ट्रेड यूनियन का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जो हमने दिया था आपको, हम आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो 60, तो वो प्रपोजल 60 डेज का नोटिस दिया जाएगा उस ट्रेड यूनियन को, ताकि ट्रेड यूनियन अपनी बात रख पाए, ट्रेड यूनियन का अगर कोई इशू हो तो वो बता पाए, रजिस्ट्रार के पास कम्युनिकेट कर पाए। मगर ये 60 डेज का रूल एक चीज पे नहीं लगता, वो बात ध्यान रखना, वो किस पे नहीं लगता जरा वो भी बता देता हूं। जब ट्रेड यूनियन खुद ही अप्लाई करता है कैंसिलेशन के लिए, तब ये 60 डेज का जो रूल है ना, ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ध्यान रखना है आपको ये चीज। कभी पता चले कि ट्रेड यूनियन खुद ही अप्लाई कर रहा है कैंसिलेशन के लिए, आपने बोला नहीं नहीं सर, 60% 60 डेज का नोटिस काई को नहीं दिया आपने, 60 डेज का नोटिस तो देना चाहिए था रजिस्ट्रार को, गलत किया भाई, यहाँ पे तो ट्रेड यूनियन खुद ही अप्लाई कर रहा है, तो लॉ ने क्लियरली कह रखा है कि वो जो मिनिमम 60 डेज का जो नोटिस है राइटिंग में, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस जो है ये राइटिंग में होना चाहिए, ओरली तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि एविडेंस कुछ रहेगा नहीं, राइटिंग में नोटिस कि यहाँ पे कैंसिलेशन होना होने वाला है आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, तो वो जो 60 डेज का नोटिस है वो अदरवाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब कि अगर ट्रेड यूनियन खुद ही अप्लाई कर रही है तो वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ कैंसिलेशन, मतलब सर ये 60 डेज के नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने, ट्रेड यूनियन कोई भी प्री जुडिशियल काम कर रही थी, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रही थी, कुछ ऐसा कर रही थी, ट्रेड यूनियन ने कुछ इलीगल वर्क कर दिया, तो उसके ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तो रजिस्ट्रार कैंसिल कर देगा अकॉर्डिंगली, ये भी पावर है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार जब कैंसिल कर रहा है तो रजिस्ट्रार को अपने रीजन मेंशन करने पड़ेंगे। और वो सेम कम्युनिकेट भी करने पड़ेंगे किसको? ट्रेड यूनियन को, ऑब्वियसली कम्युनिकेट टू द ट्रेड यूनियन, सिंपल। Now coming upon section 10. Appeal against non-registration or cancellation. दोनों ही चीज में। तो कोई भी व्यक्ति जिसको रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 वाला, या फिर रजिस्ट्रार ने उसका कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन,
तो उस केस में अपील कर सकता है। कहां पे अपील कर सकता है? तो ट्रिब्यूनल में कर सकता है अपील। सिंपल, आपसे एग्जाम पॉइंट में पूछा जाएगा और जो भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब होगी उसके अंदर कर सकता है। हालांकि अगर उसके पास एक वैलिड और सफिशियंट कॉज है तो वो टाइम लिमिट के बाद भी कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्रिब्यूनल अकॉर्डिंगली क्या करेगा, या तो अपील को डिसमिस कर देगा, ट्रिब्यूनल के पास आई अपील, या तो ऑर्डर देगा कि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करो अगर रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन का केस है, या फिर कैंसलेशन का केस है तो सेट असाइड करेगा ऑर्डर को। ध्यान रखना तीन चीजें यहां पे हुई। पहला कि जो अपील आई है किसी अग्रीव पर्सन के द्वारा जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कैंसलेशन हो गया, तो या तो उसकी डिसमिस कर देगा, फिर बोलेगा भाई आपकी अपील में कोई भी मेरिट नहीं है, योर अपील इज डिसमिस्ड, या फिर दूसरा ऑर्डर कर सकता है कि मान लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड यूनियन का मसला था तो उसको रजिस्ट्रार को बोलेगा भाई इसका ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर दो, या फिर अगर कैंसलेशन का मसला था तो रजिस्ट्रार को बोलेगा आपका जो कैंसलेशन का ऑर्डर है ना उसको सेट असाइड किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। ये चीज ट्रिब्यूनल पास कर सकता है इस पर्टिकुलर चीज में। अब आते हैं हम सेक्शन 11 पे। सारे कम्युनिकेशन जो ट्रेड यूनियन के होंगे, जो भी लीगल नोटिसेज या कम्युनिकेशन के नोटिसेज होंगे, जो भी ट्रेड यूनियन भेजेगा, तो वहां पे कौन सा एड्रेस लिखा होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वो एड्रेस होगा आपका हेड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन का, जो कि आपके रजिस्ट्रार के डिटेल्स में मेंशन है। जो आपने एप्लीकेशन मतलब जो फाइल करी थी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो आपने रजिस्ट्रार को एड्रेस दिया था ना, वो वाला जो हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस में ही सारे कम्युनिकेशन किए जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर कोई भी चेंज होता है आपकी ट्रेड यूनियन में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप किसको इन्फॉर्म करेंगे, रजिस्ट्रार को करेंगे। जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना ट्रेड यूनियन की, उनका ये काम होता है, ऑफिस बेयरर से उनका ये काम है कि ये सारी चीजों का ध्यान रखें। नाउ आज के लास्ट दो सेक्शंस, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। सेक्शन 12 सिंपल से कहता है कि सारे ट्रेड यूनियंस बॉडी कॉर्पोरेट होंगे। बॉडी कॉर्पोरेट का मैं सिंपल मतलब बता देता हूं, अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छा आइडिया होगा कि वो जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, जिस नाम से रजिस्टर्ड है उस नाम से बॉडी कॉर्पोरेट होंगे, मतलब उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनकी कॉमन सील होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि वो ट्रेड यूनियन किसी मेंबर के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड यूनियन चलता रहेगा, इन कंटिन्यूटी चलता रहेगा, और वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने नाम पे मूवेबल इमूवेबल खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो ट्रेड यूनियन अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकते हैं। ट्रेड यूनियन को चलाने वाले अलग है, वो उसके मालिक नहीं है, ट्रेड यूनियन अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन कहलाएगा। कानून की नजर में ट्रेड यूनियन वर्सेस एनीथिंग का केस हो सकता है, एनीथिंग वर्सेस ट्रेड यूनियन का केस हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर पे केस किया जाए, ट्रेड यूनियन पे केस किया जा सकता है, ट्रेड यूनियन केस कर सकती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट होने के ये फायदे होते हैं। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस ऑफ टूडेज वीडियो इज कि सेक्शन 13 कहता है कि ये वाला जो कानून है ना, उसमें कुछ चीजों का असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और आपने इस कानून में बनाई है, तो कुछ कानूनों के जो प्रोविजन है वो इस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे अप्लाई नहीं होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, अप्लाई नहीं होंगे। कौन कौन से कानून है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002, कंपनीज एक्ट, हालांकि कंपनीज एक्ट में कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर नहीं होता, या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टेट लॉ हो, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग स्टेट लॉ हो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट में, तो इन कानूनों के जो प्रोविजन है इस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे अप्लाई नहीं होंगे, जो कि हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में एस्टैब्लिश किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर आपने इन कानूनों में कोई भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो यहां की नजर में मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की नजर में तो वॉइड होंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए मैंने एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराया सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर,
तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में उसका स्टेटस क्या होगा, वैलिड वॉइडेबल वॉइड, तो आपको लिखना है वॉइड। तो सेक्शन 13 तक मैंने आपको करा दिया, नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 14 पे आपके साथ बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच, और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी आपको।